2022 खत्म हो गया है और अब नया साल आ चुका है फाइनली 2023। हैप्पी न्यू ईयर सभी को, नमस्ते सभी को। तो उसी बात पे मतलब आज हम बात करने वाले हैं, जैसे किसी माइंडसेट ने कहा था, देखिए हम लोग को ना पास में रहना चाहिए, बाकी फ्यूचर में हमेशा प्रेजेंट रहना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं 2022 की कुछ ऐसी मूवीज के बारे में जो कह रहा हमें हिट हुई हैं, और कुछ बॉलीवुड के बारे में, मतलब बॉलीवुड की कुछ मूवी मतलब जो है ना, जो एक समय वर्ल्ड हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी तक कह सकते हैं, वर्ल्ड मतलब इंडिया में जो हाईएस्ट था, टॉप पीक पे जाती थी मूवी। पिछले कुछ सालों में ट्रेंड चेंज हुआ है, और जैसा आपको पता है ट्रेंड और है ना कब मौसम चेंज होते रहते हैं, तो ये चेंज मौसम जैसा है या फिर पत्थर की लकीर जैसा एकदम परमानेंट। क्योंकि मतलब बॉलीवुड का जो हाल है उसको देखने में कोई बात याद आती है कि हो क्या गया, मतलब मैंने क्या मिस्टेक करी है, और जैसे दूसरों की मिस्टेक से आपको सीखना चाहिए। क्या था आ, एक दिन आप डायरेक्टर बन जाए हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री में, जो कि ऑफकोर्स बॉलीवुड या फिर कोई और मूवी इंडस्ट्री होगी, और फिर आप पकड़े जाएँ अरे मतलब हाँ मतलब क्या क्या गड़बड़ चीज़ें हैं जिसकी वजह से बॉलीवुड चल नहीं पा रहा है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पॉइंट है जिनके बारे में ना बॉलीवुड चल नहीं पा रहा है। सबसे बात करें सबसे ज़्यादा हिट मूवीज के बारे में, तो ही KGF 2 RR ब्रह्मास्त्र, मतलब ब्रह्मास्त्र वाले लिस्ट में है मेरे, मतलब बहुत मैंने रखना पड़ा मेरे को ब्रह्मास्त्र का। अगर पड़ा जब बजट देखेंगे उसके बजट के मुकाबले उसकी कमाई देखेंगे तो, और जो टाइम उन्होंने एफर्ट किया वो एक तरह से कमाई के मामले तो ऊपर लगती है, पर उसका वो प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट की तरह से हिट कह सकते हैं उसको नॉर्मल वाली, क्योंकि जितने उसकी कमाई है जो ग्रॉथ करेक्शन बताया है, तो ग्रॉथ करेक्शन उसके बजट से लगभग 10-20 करोड़ ज़्यादा है, ठीक है। पर दिक्कत ये जाती है ग्रॉथ करेक्शन वो नहीं होती जो सिर्फ आपके हाथ में आई होती है, तो आप उस ग्रॉथ करेक्शन को आप है ना लगभग 50% आपको काटना पड़ता है, आपको ठेठा को देना पड़ता है उस वगैरह में लाके, तो फिर आती है वो आपके हाथ में लगता है 50%। तो मतलब से 10 करोड़ रुपये प्रॉफिट कम है तो लगभग 50% है ना रिलाइट वगैरह राइट्स बेच बेच है ना प्रॉफिट हो जाता है। मतलब बॉलीवुड की इस बार तो बहुत बुरा हाल है, कि इतना बुरा हाल है कि राम सेतु और पृथ्वीराज जो मूवी मतलब बहुत 100 करोड़ भी टच नहीं कर पाए, वो अगर आप टॉप 10 लिस्ट बनाएंगे तो उसमें दोनों में से एक तो आ ही जाएगी। बात करना है कि जैसे KGF 2 RR तो मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी थी, अगर आपने देखेंगे जो कि हम हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री में ज़्यादा हिट मूवीज गई हैं, जो हिंदी बेल्ट में चली हैं, जैसे भूल भुलैया 2 और कश्मीर फाइल, अगर दृश्यम 2 के साथ मूवी का रीमेक उसको हटा दिया, और बात करें से कश्मीर फाइल की, भाई साहब कश्मीर फाइल को तो मतलब इतना सपोर्ट किया था बॉलीवुड वालों ने, कि इतना सपोर्ट कि फरहान के अब्बा ने भी उसे नहीं किया था, मतलब ऑफकोर्स यार आप आ रहे नहीं समझ रहे हैं कि इतना सपोर्ट किया था कि इसको तो आप ना भूल ही जाइए। तो मतलब भूल भुलैया 2 पर कमाई के साथ प्रॉफिट के साथ होते होते हुए ना इस लिस्ट में आई है, क्योंकि मतलब बाकी मूवी का तो हालत खराब है कुछ, तो से भूल भुलैया 2 और है ना ब्रह्मास्त्र, अगर ब्रह्मास्त्र का प्रॉफिट वगैरह नहीं देखे सब कमाई के मामले में तो ये दोनों आती हैं, पर अगर उसे देखना प्रॉफिट का तो बेचारा भूल भुलैया 2 ही है जो एक अपवाद रही है, बाकी सारी मूवीज तो इतनी नीचे जा चुकी हैं, अब क्या करें। तो अब बात करें पॉइंट करें मैं कहना हो क्यों रहा है, तो सबसे बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट पे, क्या कहें अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो आपको पता है कुछ लोग आपके वीडियो देखते हैं और कुछ लोग है ना आपका वीडियो नहीं देखते, मतलब कुछ लोग आपका चैनल पे आते हैं और चले जाते हैं और कुछ लोग नए आते हैं। तो आप जितने नए कस्टमर आए हैं और पुराने कस्टमर जितना कम डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, मतलब ऑफकोर्स अगर आपके नए कस्टमर अगर कम होगा तो आपका ये प्रॉफिट भी कम जाएगा। वैसे मैंने स्टैट देखे थे, इतने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो थोड़ी सी, हाँ तो मतलब इस तरह से अगर देखेंगे तो इस तरह से बॉलीवुड का ना जो नए ऑडियंस है वो नहीं आई उतनी, मतलब जो नए ऑडियंस है वो तो आजकल जो मर्द हैं नए वो तो एनीमे मेरा मतलब साउथ की मूवी देख रहे हैं, और जो भी बच्चे वगैरह या लड़की वगैरह वो है ना के-पॉप सुन रहे हैं, के ड्रामा देख रहे हैं, तो वो नए ऑडियंस एकदम से कट गई है, और जो मतलब है ना एक बहुत बड़ा दिक्कत होती है, मतलब है ना आपको नए कस्टमर नहीं आ रहे और पुराने तो जा ही रहे हैं। तो तू बात करें दूसरे पॉइंट के बारे में, दूसरे पॉइंट ये है कि जो बॉलीवुड है वो मतलब है ना खुद के पैरों पर खिलाड़ी मार रहा है, उसको अगर है ना आप देखेंगे पिछले जो कुछ मूवी मतलब पिछले जमाने की पिछले दशक की मूवी देखेंगे 90s देखिए 80s की 70s की, तो उसमें कुछ 10% मूवी 10 मतलब एक है ना बहुत बड़ी मूवी है ना आपको ना फील कराती है कि वेस्टर्न बहुत बड़ा है, वेस्ट बहुत ऊँचा है, तो है ना लोगों ने कहा अरे पट तेरी तो हम तो वेस्ट पर नेटफ्लिक्स देखेंगे मूवी देखने नहीं आएंगे, हाँ मतलब ऐसा मतलब लिटरली हो गया है। ये दूसरा पॉइंट है, मतलब ना लोग का ना दिल खट्टा हो गया, और मतलब है ना OTT के राइट्स की वजह से वो लोग थिएटर में नहीं जा रहा जल्दी, और वो जब भी जा रहा है जब उनको देखने को कुछ एपिक हो, जो मतलब थिएटर में देखने लायक मूवी हो, और जो कि बॉलीवुड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा ऐसा हम लोग को लग रहा है, या फिर सही में ऐसा नहीं है पता नहीं, बॉक्स ऑफिस देखे तो ऐसा लग रहा है हम लोग को।
अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, जो कि मतलब बहुत जरूरी पॉइंट है। इस पॉइंट के बारे में मतलब फाइनली अगर हो क्या आ रहा है, तीसरा पॉइंट है लैक ऑफ है ना इनोवेशन और न्यू आइडियाज। मतलब मैंने जो इनोवेशन है न्यू आइडिया, देखिए बहुत ज़्यादा रीमेक्स हमने साउथ के ना रीमेक बनाना चालू कर दिया है, और लोगों को पता चल रहा है कि साउथ के रीमेक्स हैं, तो मतलब अगर वो ओरिजिनल को देखने मिल रही है तो रीमेक भला क्यों देखेंगे अंटिल अनलेस वो रीमेक अच्छी हो ओरिजिनल से। और जैसे दृश्यम 2 का एक एग्जाम्पल है, और लोगों ने देखी नहीं तो देख सकते हैं, तो ये बात है जो कि नाम एक तरह से हिट कर रही है। और लैक ऑफ स्क्रिप्ट है, जो स्टोरी है वो स्टोरी कुछ ऐसी है जो कि कहता है अरे क्या बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ, लोगों को रोना धोना चल रहा है। और देखिए रोना धोना अच्छा है, देखिए आप है ना स्टोरी रुलाती तो बहुत अच्छी बात है, पर भाई साहब आपकी स्टोरी सिर्फ रुलाती आ रही है, कुछ जिन इंसान की लगे पड़े हैं घर में तो उसके वैसे ही लगे पड़े हैं, फिर आप कहते हैं कि ये निकलो चाहिए, ये निकलो चाहिए, बुरी निकलना चाहिए, तो बंदा भाई चिढ़ जाता है आपसे, पर आपकी मूवी देखने नहीं आता, इसकी जगह आपकी मूवी चल जाती है कवाड़े में, चलती तो है भाई बस। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में, जो मतलब मैं कैसे बताऊँ, मतलब मैं पॉइंट के बारे में एक तरह से मैं बहुत सोचा और मैंने कहा ये सही में हुआ है। छह तरह की स्टोरी होती है, उनको अलग तरह से प्रेजेंट करने का तरीका होता है, पर जो कि बायकॉट का चल रहा है, मतलब बायकॉट चल रहा है भाई साहब, जो जैसे आपको पता है आज तो सब लोग सोशल मीडिया पे हैं, जैसे आपके क्रश, आपकी एक्स, आपकी करेंट, आपका कुत्ता, ओके इतना भी नहीं, पर हाँ सब लोग सोशल मीडिया पे। सबसे पहले है ना जब मूवी रिलीज होती है उसका फर्स्ट आउटपुट ना सोशल मीडिया पे आता है, और जब सोशल मीडिया पे आता है भाई साहब सोशल मीडिया पे ना लोग बायकॉट तो ऐसे मार रहे हैं मूवी को, जैसे राइट मार रहे हैं, लेफ्ट मार रहे हैं, ऊपर मार रहे हैं, नीचे बायकॉट बायकॉट, और जब बायकॉट चलता है लोगों में एक नेगेटिव फीलिंग आती है। प्रमोशन की तरह तो बात करता है, पर अगर इसमें एक दिक्कत आती है, मूवी नेगेटिव है और है ना उसका लोग एक तरह से उसको बायस देखे जाते हैं, और उसके अगर किसी मूवी की स्टोरी अगर खराब निकली तो भाई फिनिश आप खत्म हो जाता है। ये था मतलब रीजन जिसके कारण है ना मूवीज हैं जो कर हम इतनी चल नहीं पाती, मतलब है ना उस तरह से एकदम डाउन कर देता है, पहले दो तीन तो जब मारते फिर उसका तो फसल गायब हो जाती है, और कह कर मूवीज कारण बजट भी नहीं कमाती। तो एट द एंड में कहना चाहूँगा देखिए बॉलीवुड को अपनी गलती सीखना चाहिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा, मतलब उनको सीखना चाहिए, फिर वो ज़्यादा समझदार हैं, वो लोग है ना अच्छे से खेलना चाहते हैं, वो लोग इंडस्ट्री में कहीं ज़्यादा समय से काम कर रहे हैं, पर भाई कुछ तो गड़बड़ है, आप कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं ताकि है ना कि मूवी चल नहीं रही है और आपकी हालत है, अगर आप उसको सुधारेंगे तो है ना आपकी मूवी चलने लगेंगी। और एट दी एंड में कहूँगा आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अगर मैं थोड़ा देख के अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये रेशियो बहुत ख़राब है, कम से कम 10% तो कर दो यार, शर्म आती है यार प्लीज़, और 100 सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।